फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस 77 वर्षीय अभिनेता ने अपने अंग दान करने का ऐलान किया है? ए अमिताभ बच्चन, बी धर्मेंद्र, सी शक्ति कपूर या डी परेश रावल। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर में चमचमाती बाईपास में भ्रष्टाचार का सुराग, बिहार में कुछ ऐसा ही होता है विकास कार्य। भागलपुर में चमचमाती बाईपास का कल्पना करने वाले जिलेवासियों को भ्रष्टाचारियों ने तगड़ा झटका दिया है। जनता की गाढ़ी कमाई को विभिन्न प्रकार के कर के रूप में लेकर करीब 234 करोड़ रुपए की लागत से इस बाईपास का निर्माण किया गया है। वहीं इसके निर्माण में भ्रष्टाचारियों ने इस कदर सुराग बनाया कि नाथनगर के पुरानी सराय के समीप बाईपास के सब पीटिंग दीवार का पैनल धराशाही हो गया। दीवार का 4 पैनल 2 दिन पहले ही गिरा था, लेकिन एनएच और निर्माण एजेंसी ने इस ओर ध्यान देने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं इस लापरवाही के बाद अब मिट्टी बाहर आने लगा है, जिससे अब लोगों को हादसा होने का भय सताने लगा है। उम्मीदवारी अब तक तय नहीं होने से तरह तरह की चर्चा जोरों पर। गोपालपुर विधानसभा चुनाव के नामांकन की तिथि नजदीक आते जा रही है, परंतु अब तक सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए और महागठबंधन द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए जाने के कारण इलाके में कयासों के दौर जारी हैं। सत्तारूढ़ एनडीए के घटक जदयू के गोपालपुर विधानसभा सीट पर पिछले 15 वर्षों से लगातार कब्जा है, अतएव जदयू ही गोपालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, यह तय माना जा रहा है। परंतु कुछ भाजपा समर्थक अंतोगत्वा बदले परिवेश में यह सीट भाजपा के खाते में आने की उम्मीद जता रहे हैं। महागठबंधन से राजद या कांग्रेस सत्तारूढ़ एनडीए के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेगी, तस्वीर साफ नहीं हुई है। परंतु राजद के कई संभावित प्रत्याशी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के नाम पर दिन रात क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। नवगछिया, अस्पताल कर्मी के पुत्र द्वारा अवैध वसूली व अस्पताल के कार्यों में हस्तक्षेप की बात आई सामने। एसडीओ ने अस्पताल कर्मी व उनके पुत्र पर की 107 की कार्रवाई। नवगछिया मंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा द्वारा कथित रूप से बिना किसी कारण के अस्पताल में कार्यरत 12 सुरक्षा गार्डों को हटाए जाने के मामले में शुक्रवार को नवगछिया मंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार द्वारा गठित जांच टीम ने अस्पताल की जांच रिपोर्ट समर्पित कर दिया है। जांच टीम के द्वारा अस्पताल में व्यापक अनियमितता पाई गई है। साथ ही अस्पताल के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी विभास सिंह का पुत्र चंदन कुमार का अस्पताल में अवैध रूप से अवैध वसूली करने एवं अस्पताल के कार्य में हस्तक्षेप किए जाने की बात सही पाई गई है। चंदन कुमार का अस्पताल में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने के साक्ष्य भी जाँच टीम के द्वारा समर्पित किया गया है। जाँच टीम के जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ अखिलेश कुमार ने अस्पताल के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी विभास सिंह एवं उनके पुत्र चंदन कुमार पर 107 की कार्रवाई की है। एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि जांच टीम के रिपोर्ट में पाई गई अनियमितता के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि संदर्भ में वे जिलाधिकारी एवं सीएस को भी लिखेंगे। एसडीओ ने कहा कि अस्पताल के सुरक्षा गार्ड 1 वर्ष पूर्ण होने पर हटाए जाने का प्रावधान है, लेकिन अस्पताल में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड मई माह से ही अस्पताल में कार्यरत है। मालूम हो कि पिछले दिनों अस्पताल उपाधीक्षक द्वारा 12 सुरक्षा गार्डों को कथित रूप से बिना किसी कारण के हटाने की अनुशंसा करने का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद सभी सुरक्षा गार्डों ने नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर नौकरी बचाने की गुहार लगाई थी। सुरक्षा गार्डों ने शिकायत किया था कि अस्पताल के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी विभास सिंह का पुत्र अस्पताल में अवैध रूप से दलाली करता है और रोके जाने पर गाली गलौज करता है। इसी कारण से उन लोगों को एक साथ अस्पताल से हटाने की अनुशंसा की गई है। नवगछिया एसपी के नेतृत्व में चलाया गया चेकिंग अभियान, निकाला गया फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस एवं प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गई है। देर शाम जहां नवगछिया एसपी के नेतृत्व में कटिहार सीमावर्ती क्षेत्र रंगरा के पास चेकिंग अभियान चलाया गया, वहीं इस दौरान स्टेटिक सर्विलांस टीम के द्वारा सीमावर्ती जिले से जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की गई, जिसके बाद तेतरी में भी एसपी के नेतृत्व में वाहनों की जांच की गई। इस मौके पर एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित थाना के थानाध्यक्ष व पुलिस बल मौजूद थे। वहीं रविवार की देर शाम एसपी के निर्देश पर चुनाव के मद्देनजर नवगछिया, गोपालपुर एवं रंगरा में पारा
मिलिट्री फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। नौगछिया टाउन क्षेत्र में नौगछिया थानाध्यक्ष अमर विश्वास के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी व पैरा मिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान शहर के गौशाला रोड, मेन रोड, गरीबदास ठाकुरवाड़ी रोड एवं मक्का तकिया में फ्लैग मार्च किया गया। नवगछिया SDPO ने मासिक अपराध गोष्ठी में चुनाव को लेकर थानाध्यक्ष को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नवगछिया SDPO कार्यालय में SDPO दिलीप कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। मासिक अपराध गोष्ठी में SDPO ने बीते माह हुए थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SDPO ने थानावार कांडों की समीक्षा की एवं लंबित कांडों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया। वहीं SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि बैठक में थानाध्यक्ष को आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नवगछिया स्टेटिक सर्वेलेंस की टीम के साथ SDO ने की बैठक, दिए निर्देश। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर SDO अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDPO दिलीप कुमार भी मौजूद थे। SDO ने बताया कि स्टेटिक सर्वेलेंस टीम में शामिल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। स्टेटिक सर्वेलांस टीम को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जांच अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। SDO ने कहा कि प्रशासन स्तर से हर गतिविधि की मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं नौगछिया SDO अखिलेश कुमार एवं SDPO दिलीप कुमार ने नौगछिया प्रखंड के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। नवगछिया के मकनपुर चौक NH 31 के समीप ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर, भागलपुर के व्यवसायी की गई जान, एक अन्य घायल। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर मकनपुर चौक के पास एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो के बीच हुए भीषण टक्कर में भागलपुर की व्यवसायी की जान चली गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मृतक की पहचान बांका जिले के फुली डूमर थाना क्षेत्र के कुमारपुर निवासी स्वर्गीय रामदेव प्रसाद चौधरी के पुत्र मृतक विनोद कुमार चौधरी 42 वर्ष के रूप में की गई, जबकि घायल सिंधिया मकनपुर निवासी नरेश शर्मा 65 वर्षीय है। घायल को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। जानकारी मिली है कि हादसे में मारे गए विनोद सिंह भागलपुर के लाल कोठी में भी घर बनाकर परिवार के साथ रहते हैं। उनका रेलवे में कैटरिंग का बिजनेस है, तो कटिहार में उनका फूड प्लाजा नाम का होटल है। शनिवार को वे अपने कटिहार स्थित होटल की देखरेख करने अपने ही स्कॉर्पियो वाहन से खुद ही चलाते हुए गए थे। रविवार को वापस भागलपुर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे मकनपुर चौक पर तेज गति से विपरीत दिशा से आ रही ट्रक और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हो गई, जबकि इसी बीच सड़क पार कर रहे साइकिल सवार सिंधिया मकनपुर निवासी नरेश शर्मा भी ट्रक के चपेट में आ गए, जिससे वे भी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। हादसे के बाद स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। विनोद का शव वाहन में पूरी तरह से फंसा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला, फिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले की प्राथमिकी गोपालपुर थाने में दर्ज कर ली गई है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8228 95 69 05 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगछिया 9534338689 7856914231 6206224713 खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने नवगछिया।
गोपालपुर अलग अलग भवनों में अलग अलग बूथों पर मतदाता करेंगे मतदान। 153 गोपालपुर विधानसभा चुनाव में गोपालपुर प्रखंड के मतदाता अलग अलग भवनों में स्थित अलग अलग बूथों पर मतदान करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय गोसाईगांव, मध्य विद्यालय अभिया, मध्य विद्यालय पचगछिया व बुनियादी विद्यालय तीनटेंगा करारी में 6-6 बूथों पर मतदाता मतदान करेंगे। उच्च विद्यालय धरारा, मध्य विद्यालय डिमहा व मध्य विद्यालय सुखतिया बाजार में बनाए गए 5-5 बूथों तथा उच्च विद्यालय लतरा, मध्य विद्यालय बड़ी मकंदपुर, उच्च विद्यालय सैदपुर, मध्य विद्यालय तिरासी व तहसील कचहरी में 4-4 बूथों पर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा सभी बूथों पर 2x बूथों की संख्या कर दी गई है। कदवा के बाढ़ पीड़ितों से 5-500 रुपए लेकर रिलीफ की सहायता राशि दिलवाने का आरोप। नवगछिया प्रखंड के कोसी पार कदवा दियारा में बाढ़ पीड़ित लोगों का पहले शोषण किए जाने उसके बाद मदद करने का मामला प्रकाश में आया है। वार्ड के दर्जनों ग्रामीण ने शनिवार को 4 एवं 5 नंबर के वार्ड सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए नवगछिया सीईओ को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन में कहा गया है कि 4 व 5 नंबर के वार्ड सदस्यों ने बाढ़ पीड़ित लाभार्थी से 500 रुपए लेकर रिलीफ के रूप में 6000 की सहायता राशि खाते पर भेजे जाने की बात कही है। जो बाढ़ पीड़ित लाभार्थी 500 रुपए पहले नहीं देगा उसका पैसा उसके खाते पर नहीं भेजे जाएंगे। वहीं वार्ड संख्या 7 व 14 में भी ग्रामीणों का यही आरोप है। वहीं नौगछिया सीओ विश्वास आनंद ने बताया कि उक्त मामले को लेकर शनिवार को कदवा दियारा पंचायत के ग्रामीणों ने लिखित शिकायत की है। सोमवार के दिन मामले की जांच पड़ताल कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी तो दूसरी तरफ कटाव ने बढ़ाया दायरा। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से रंगरा के तटवर्ती इलाके में दहशत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के किनारे रह रहे सोहड़ा के ग्रामीण विगत 2 माह से सीवेज वाटर से बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। प्रखंड के कोसकीपुर और सदवा चापर में कोसी नदी में आई बाढ़ से लोगों के घर डूब गए हैं। दूसरी तरफ कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के दोनों तरफ सीवेज वाटर जमा हो गया है। प्रशासनिक आंकड़े के अनुसार प्रखंड में कुल 6500 परिवार बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें 5700 परिवार को सूखा राशन और अन्य राहत सामग्री के अलावा मुआवजा भी दिया जा चुका है। अन्य प्रभावित परिवारों को भी प्रशासनिक स्तर से राहत व मुआवजा देने की तैयारी चल रही है। वहीं रंगरासी आशीष कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द बचे हुए परिवारों को भी राहत सामग्री और मुआवजा दिया जाएगा। इंस्पेक्टर भरत भूषण ने जदयू नेता को धमकी दिए जाने मामले की जांच। गंगोत्री जागरण मंच के अध्यक्ष वरिष्ठ जदयू नेता गुलशन कुमार को फोन पर धमकी दिए जाने की मामले की जांच नौगछिया के सर्किल इंस्पेक्टर भरत भूषण ने की है। इंस्पेक्टर भरत भूषण ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही धमकी देने वाले बेनकाब होंगे। इधर गुलशन कुमार ने कहा कि उनका किसी से ना तो रंजिश है ना ही विवाद, फिर भी उनके साथ इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई है यह समझ से परे है। गुलशन कुमार ने कहा कि घटना के बाद वे मानसिक तनाव में हैं। नवगछिया चाय नाश्ते की गुमटी से नशीली दवा एवं देसी शराब बरामद, एक गिरफ्तार। नौगछिया थाना क्षेत्र के 33 माइल के पास NH 31 के किनारे स्थित चाय नाश्ते की गुमटी से नौगछिया पुलिस ने 1 लीटर देसी शराब एवं 500 ml नशीली दवा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से गुमटी के संचालक थाना क्षेत्र के पकड़ा निवासी धर्मेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। नौगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि NH 31 के किनारे स्थित दुकानों में नशीली पदार्थ की बिक्री की जाती है। सूचना के आलोक में SDPO दिलीप कुमार की निगरानी में नौगछिया पुलिस द्वारा छापेमारी की गई तो इस दुकान से 5 बोतल में नशीली दवा एवं 1 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। खरीक केला फसल क्षतिग्रस्त करने का आरोप। खरीक थाना क्षेत्र के पूर्वी घरारी निवासी विजय यादव ने केला फसल क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए खरीक थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खरीक में वार्ड सदस्य पर मारपीट करने का आरोप। खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार पंचायत के वार्ड संख्या 2 के वार्ड सदस्य शंकर शाह पर उसी वार्ड के प्रकाश यादव की पत्नी उत्तमा देवी ने नल जल योजना का गलत क्रियान्वयन का विरोध करने पर मारपीट करने और जख्मी करने का आरोप लगाते हुए खरीक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। खरीक में वाहन चेकिंग के लिए पुलिस ने लगाए बैरियर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खरीक पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 14 नंबर सड़क पर वाहनों की सघन चेकिंग के लिए 2 जगहों पर बैरिकेटिंग करवाई है। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773।
9043-67-170। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979-85-0079, 7549-68-3888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। 1, 2, 3, come on! खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।